ओके वेलकम टू अ न्यू एपिसोड इन द स्टोरीज विद रा पॉडकास्ट सीरीज आज का जो हमारा गेस्ट है ना उसको मैं जानता हूँ रोहन के नाम से तुम जानते हो उसको फिंग के नाम से फिंग का चैनल जो है वो बहुत ही मज़ेदार है ही पोस्ट कॉन्स्पेसी थ्योरीज ही पोस्ट म्यूजिक रिव्यूज़ ही डज म्यूजिक वीडियोज फोटोग्राफी गेमिंग बहुत कुछ करता है इनफैक्ट मेरी वीडियोज़ में जो तुमने अमेजिंग बैकग्राउंड म्यूजिक सुना है वो भी फिंग के ही गाने हैं तो इस पॉडकास्ट में जो हमने बातें करी है ना वो तुम्हारे लिए इफ़ यू आर अंग किड इफ यू आर अ बडिंग कॉन्टेंट क्रिएटर और इफ़ यू आर अ नॉर्मल ह्यूमन बींग तुम्हें बहुत मजा आएगा इस पॉडकास्ट में बिकॉज हमने बातें करी हैं लाइफ के बारे में यूट्यूब पे ग्रोथ के बारे में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के बारे में अपने अच्छे सच्चे और सही दोस्त कैसे चुने उसके बारे में एंड काफ़ी मज़ेदार कॉन्वर्जेसन हुई है हमारी मेरक और फिंग को बड़ा मज़ा आया एंड आई होप तुमको भी उतना ही मज़ा आएगा ये पॉडकास्ट सुनने में सो विदाउट एनी फर्दर टू डो लेट्स जस्ट बिकेन एंड एज ऑलवेज़ अगर तुमने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को या तुमको पॉडकास्ट पसंद आता है तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल इफ यू आर लिसनिंग टू दिस ऑन स्पॉटिफाई देन मेक श्योर यू फॉलो एंड शेयर and uh, let's begin एंड okay. लट्स yes. a new episode in टू stories with us विदी podcast वैसे ना मैं पॉडकास्ट शुरू होने से पहले मतलब conversation शुरू होने से पहले वैसे भी intro कर ही देता हूँ तो मैं कुछ जो, जो, जो बोलना होगा mm -hmm. अपनी तरफ से तेरे बारे में मैं बोल चुका हूँ सो योर टर्न टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ टू माई ऑडियंस टेल देम वट यू डू हो यू आर ओके ओके हेलो एवी मेरा नाम है फिंग ए के ए रोहन भाई तुम मेरा चैनल देख सकते हो वेदांत के साथ लास्ट कोलैब मेरा कब हुआ था मंथ बैक आई थिंक बैक या हमने म्यूजिक के ऊपर वीडियो बनाई थी हमने वो सॉन्ग्स प्रेडिट करे थे जो आगे जाके रीमेक हो सकते हैं बट ये पॉडकास्ट अलग होने hmm. वाला है कुछ नो टेल दी ऑडियंस व्हाट डू यू डू व्हाट इज योर चैनल अबाउट मेरा चैनल इफ यू गो टू माई चैनल तुम्हें वहाँ पे हॉरर वीडियोज मिल जाएगी क्रीपी स्टफ मिल जाएगा तुम्हें म्यूजिक वीडियोज मिल जाएगी बेसिकली एवरीथिंग एंड मेरा अभी एक सेकेंड चैनल भी खुला है उस पर मैं गेमिंग कर रहा हूँ उस पर भी रैंडम स्टफ आ रहा है तो काफ़ी कुछ चल रहा है अभी एक स्पेसिफिक जॉन नहीं है कोई नीच नहीं है मेरे चैनल्स की नो बट वन थिंग दैट आई एब्सोल्युटली लव अबाउट द थिंग एक चीज जो करता है विच इज़ वट यू आर टॉकिंग अबाउट अभी रिकॉर्डिंग से पहले इज योर विंग बीट्स का चैनल वे यू बेसिकली फ्री म्यूजिक सो आई हैव टू क्वेश्चन टू पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन पार्ट वन की वो फिंग बीट्स एंड योर जर्नी इन टू म्यूजिक वन एंड बी की जो सोशल सर्विस तुम कर रहे हो इसके पीछे ड्राइविंग फैक्ट क्या है ओके म्यूजिक की जर्नरी जर्नरी म्यूजिक की जो जर्नी है वो मेरी शुरू हुई थी स्कूल में एट्थ क्लास में तुमने यश गर्ग का चैनल देखा होगा तो यश गर्ग मेरे साथ में ही था मेरी क्लास में ही था तो वो गिटार बजाता था तो उस टाइम मेरे को थोड़ा बहुत म्यूज़िक मैं सुनता उनता था तो यश एक दिन गिटार प्ले कर रहा था करते करते मेरे को लगा कि गिटार आउट ऑफ ट्यून अच्छा। है तो मैंने उसे बोल दिया कि यश थोड़ा आउट ऑफ ट्यून लग रहा है ट्यून कर ले उसने मेरे मुंह पे बोला कि अच्छा तो तू खुद सीख ले और खुद बजा ले वो एक पॉइंट मेरे को इतना चुभ गया उस टाइम क्योंकि वही था वो गिटार बजा रहा था दो तीन लड़कियां बैठी हुई थी वो दो तीन लड़कियां हंस दी <laughs> और वो चीज़ चुप गई मेरे आई वन आई वॉज लाइक तुर रुक तो उसके बाद मैंने गिटार उठाया तो पहले तो ईगो में सीख रहा था गुस्से में लेकिन धीरे धीरे वो एक लव डेवलप हो गया म्यूज़िक के लिए फिर गिटार सीखते 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 वो यश वाला फैक्टर हट ही hmm. गया फिर टोटली म्यूज़िक ले सीख लिया फिर गिटार सीखा फिर और इंस्ट्रूमेंट्स सीखे तो स्कूल में लाइक काफ़ी पॉपुलर था मैं इस चीज़ की वजह से कि मैं एक गिटार बजाता हूँ और बाकी इंस्ट्रूमेंट्स भी बजाता तो वहाँ से ये जर्नी शुरू हुई फिर गिटार रिकॉर्ड करना हुआ फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक में घुसा फिर वहाँ से बीट्स बनाने पाया तो ये जर्नी चलती आई चलती आई तो काफ़ी टाइम हो गया म्यूज़िक करते हुए बात आती है मेरे तीसरे दूसरे चैनल की फिंग बीट्स तो उस पर मैं बीट्स अपलोड करता हूँ जो टोटली फ्री हैं उसका मेन रीज़न ये था कि मैं भी यूट्यूब पर वीडियोज़ बनाता हूँ तो मैं इतना कई बार परेशान हो जाता था म्यूज़िक ढूंढते ढूंढते मेरे को मिल ही नहीं रहा ठीक है जो मेरे को अच्छा लग रहा है वो कॉपी है और फ्री मिल नहीं रहा है उसमें भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि उसके अंदर वो दस रिक्वायरमेंट्स मांग रहे हैं कि उसके बाद तुम यूज़ कर सकते हो hmm. फ्री है लेकिन दस और स्टेप्स आ गए हैं तो वो कन्फ्यूज़ करता था तो उसके बाद मैंने सोचा कि मैं खुद के लिए म्यूज़िक बनाता हूँ फिर मेरे दिमाग में आया मैं खुद के लिए बना रहा हूँ क्यों ना मैं सबके लिए बनाऊँ सारे लोग ही फ्री में क्यों ना यूज़ करें ठीक है hmm. वो चीज़ हो गई तो अभी मैंने बनाया उस पर बीट्स में वो पता नहीं कितनी है काफ़ी सारी है तो वेदांत भी यूज़ करता है उन्हें काफ़ी सारे ये काफ़ी सारे यूट्यूबर्स यूज़ करते हैं उसे तो ये चीज़ तो हो गई अभी तो ये फ्री में था लेकिन इसके बाद अभी ये पूरा हिप हॉप का शुरू हुआ सारे लोग रैप कर रहे हैं हमें सॉन्ग्स बनाने तो उनको भी बीट्स चाहिए तो वो भी मेरी बीट्स यूज़ करते हैं फिर वो मैंने उसके अंदर एक एक्स्ट्रा फीचर ऐड कर दिया जहाँ से मैं भी थोड़ा पैसा कमा सकूँ इज़ कि जो रैपर्स वगैरह आते हैं वो मेरी बीट्स के ऊपर रैप करते हैं वो सीधा सीधा बीट के ऊपर रैप लगा के पब्लिश कर सकते हैं लेकिन अगर वो एक स्टेप आगे ले जाना चाहते हैं कि मिक्स भी हो जाए मास्टर भी हो जाए उस बीट के ऊपर उनके वोकल्स तो वो मैं कर देता हूँ एक स्पेसिफिक अमाउंट के लिए जो लाइक like बहुत ही कम है बहुत ही कम तो उससे एक ये सोशल सर्विस भी हो गई जो और लोग म्यूजिशंस वगैरह हैं उनकी मैं हेल्प कर देता हूँ तो ये चीज़ मेरे को भी बहुत तसली देती है एक सोशल सर्विस कर रहा हूँ साथ में लोगों को भी चीप में या फ्री में म्यूज़िक मिल जाता है so, yeah, मेरे को जो भी फीडबैक आता है ना इनिशियली जब मैंने वीडियो बनाई थी तो मैं ऐसे किसी भी रैंडम यूट्यूब चैनल से उठा लेता था जिसमें कि टाइटल में फ्री लिखा होता था बट अगेन ऑल ऑफ दोज रिक्वायरमेंट्स कि तुम्हें तो हमें अटैक करना है अगर बीट सपोजिटली उनकी बीट बिक गई तो वो क्लेम आ जाएगा उसके बाद ऑल दीज प्रॉब्लम्स इसलिए आई वॉज ऑलवेज हैव बीन लुकिंग एक तो लोग पूछते रहते हैं कि बैकग्राउंड म्यूजिक कहाँ से दिया कहाँ से दिया कहाँ से लिया तो उसके लिए बेस्ट mm सोल्यूशन -hmm. तो मेरे निकला है कि ये दो तीन जो मेरे सेगमेंट्स हो गए हैं प्रॉपर बात है बारे मेरे जो दोस्त हैं जिनको मैं जानता हूँ उनका ही म्यूजिक यूज़ करो mm -hmm. ताकि उनको भी प्रॉब्लम uh, ना हो उनका भी फायदा हो मेरा भी फायदा हो तो दैट इज दैट बट दिस वॉज गुड अबाउट द म्यूजिक बिकॉज योर अच्छा टेल मी नाउ मोर अबाउट योर यूट्यूब जर्नी हाउ लॉन्ग हैव यू बीन डूइंग यूट्यूब एंड वॉट इज इट दैट गॉट यू इन टू यूट्यूब म्यूजिक तो हमें समझ आ गया वाई यूट्यूब आई uh, हेव been making videos for the last फोर years, around फोर years. Hmm. मैंने शुरू करा था YouTube uh, जैसी मेरी ट्वेल्थ ख़त्म हुई थी ट्वेल्थ hmm. ख़त्म होने वाली थी उस टाइम पे, लाइक वो भी मैं एट्थ क्लास से करना चाहता था YouTube, क्योंकि उस टाइम मेरा फ्रेंड था अंगद अंगद काय सिंह तो वो YouTube पे वीडियोस डालता रहता था अपनी टैक वैक करके वो भी छोटा था हम दोनों ही छोटे थे तो वो ऐसे अलग अलग फैक्ट्स डालता था वीडियोज़ में तो वो देख के मैं ऐसे हो गया था कि ओ oh शेट ये बहुत कूल है उसके बाद अंगद ने मेरे को बताया कि यूट्यूब खाली लिंकन पार्क के गाने सुनने के लिए नहीं है उस पर तुम अपना कॉन्टेंट भी डाल सकते हो क्योंकि उससे पहले मेरे को यही लगता था वो सिर्फ गाने सुनने के लिए तो वहाँ से मैं पता चला कि ये चीज़ बहुत अच्छी है फिर तो उसके बाद अंगद ने बताया इससे पैसे अर्न कर सकते हो अंगद को तब फ्री गैजेट्स आते थे कोई कंपनी एयरफोन्स भेज रही है कोई कुछ भेज रहा है एंड वो अच्छे अच्छे एयरफोन्स होते थे एक्सपेंसिव वाले तो एक तो वो देख के लालच भी आया तो एट्थ क्लास से ही था कि चैनल बनाना है तो तब कंप्यूटर अच्छा नहीं था कैमरा था कुछ नहीं था फिर जैसे ही ट्वेल्थ ख़त्म हुई मेरा लैपटॉप आया एंड hmm. उसके बाद लैपटॉप मेरी पहली वीडियो लैपटॉप के वेब के साथ थी जिसके अंदर मैं गिटार बजा रहा हूँ क्योंकि पहले एम यही था कि म्यूज़िक के ऊपर चैनल होगा और आठ सौ रुपये वो छोटे वाले हेडफोन्स नहीं आते हैं वो साइबर कैफे वाले या, या, एक माइक उसके एक माइक से मैंने गिटार रिकॉर्ड करके अपने शिट्टी से मतलब कंप्यूटर के अंदर छोटा मोटा गाना बना के मैंने डाल दिया एंड मुझे मैं उसे अब सुनता हूँ एंड मैं काफ़ी शौक हो जाता हूँ कि यार ठीक था <laughs> डिसेंट था उस टाइम के हिसाब से भी <laughs> तो उस टाइम पे यही सोचा था कि म्यूजिक के लिए चैनल होगा मेरे पहले चैनल का नाम था ब्रोकन रिकॉर्ड्स <laughs> फिंग बाद में हुआ तो पहले म्यूजिक था फिर उसके बाद जॉनरा चेंज होता गया एंटरटेनमेंट इंटरटेनमेंट तो अब मेरे को ये लगता है कि जहाँ से मैं शुरू हुआ था ना वापस वहीं आ रहा हूँ मैं कहीं ना कहीं वापस से म्यूजिक पे ही आ रहा हूँ कि इस ये चैनल बना ही उसके लिए था ये चीज़ हुई फिर आए YouTube स्टार्ट करा काफ़ी वीडियोस डाली फ्रस्ट्रेशन थी स्टार्टिंग में फिर स्टार्टिंग में पता नहीं कितनी वीडियोज़ डालती थी उसके बाद एक चीज़ आई थी ब्लू ब्लूवेल yeah. तो ब्लू ब्लूवेल मैंने देखा तो काफ़ी सारे लोग खेल रहे थे उसे तो मेरे को लगा कि भाई लोगों को पता होना चाहिए कि ये डेंजरस चीज़ है ठीक है एक जेनविनली अच्छा ख्याल आया था मेरे अंदर से लोगों के लिए तो मैंने मैं नानी के घर पे बैठा हुआ जल्दी से मैंने रिकॉर्ड करी अपनी वीडियो ब्लू वेल पे और मैंने फटाफट डाल दी रात को दो बजे उस टाइम पे कुछ घंटे पहले ही सारे न्यूज चैनल्स ने एक साथ एक साथ ब्लू ब्लूवेल पे बनानी शुरू कर दिए आर्टिकल्स न्यूज आप पे आ रहे हैं मेरे को कुछ आइडिया नहीं उसके बारे में मैंने ब्लू ब्लूवेल पे वीडियो बनाई मैंने पब्लिश करी मैं वॉशरूम गया दो मिनट में वापस आया मैंने रिफ्रेश करा साढ़े आठ हजार व्यू मतलब जिसकी वीडियो पे सौ व्यूज होने में तीन हफ्ते चार हफ्ते लगते थे उसको तुम साढ़े आठ हजार व्यूज दे दोगे उसका पहला रिएक्शन क्या होगा मेरा पहला रिएक्शन यही था कि भाई मेरा कंप्यूटर खराब हो गया भाई ये क्या हो रहा है उसके बाद मैंने रियलाइज़ करा ओके ये वीडियो चल गई है तो वो मेरा पहला इनकाउंटर था वायरल चीज़ से कि मतलब वीडियो वायरल होती है तो कैसे लगता है उससे सेवन एंड हाफ थाउजेंड सब्सक्राइबर्स गेन करे एंड मैं डर गया भाई अब मैं इनको कैसे संभालूँ क्या करूँ तो वही फिर अंगद से पूछ के सारे कर कर के कर, 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 कर के आज चार साल बाद नाइन्टी फाइव थाउजेंड सब्सक्राइबर्स हैं कुछ ज़्यादा नहीं उखाड़ा तो अभी आ गए हैं अभी और आगे जाना है बट वट इज दिहाइंड निकाला कि, अच्छा इसका नाम रखना है Fing. तो चैनल का नाम रखते मैं सोचा था क्या रखूँ या रोहन नहीं रखना क्या रखूँ मैंने पहले सोचा था टूथपिक नाम रखता हूँ ठीक है तो वो टूथपिक टूथपिक ठीक था तो उसके बाद वही घर वालों ने बोला फिंग रख ले तो फिंग मेरे को लगा ठीक है तो तब से फिंग रखा है तो आज ज़्यादातर दुनिया में को फेंग बुलाती है रोहन कम लोग बुलाते हैं तो तो मैंने भी yeah. तेरा नाम जो सेव करा हुआ करा है फोन में वो सेव करा रोहन सेव करा करा मैंने तुम्हारा <laughs> yeah. हुआ exactly, exactly <laughs> सेम था मतलब हाँ जब मैं दो तीन साल का था माई कजन केम एज रस्टी फॉर सम रीजन एंड तब से वो रस्टी है टच ऑफ योर ओन पर्सनैलिटी इन टू थ्रू माई कॉमेंट ठीक है सो वेन आई स्टार्ट मेकिंग दीज अबाउट दैट यूट्यूबर वीडियो जहां पर बेसिकली मैं किसी भी रैंडम यूट्यूबर की बहुत टाइम से फॉलो कर रहा हूँ उसके ऊपर मैं एक पंद्रह मिनट का एनालिसिस वीडियो बना देता हूँ अपनी खुशी के लिए mm -hmm. तो वहाँ पे लोगों ने मेरे को रेकमेंड करना शुरू किया सो so, मतलब ये तो होता ही है कि दी ऑडियंस ऑलवेज रेकमेंड्स योर कंटेम्प्रेरीज टू यू कि इसको चेकआउट कर, करो इसको चेकआउट करो दैट्स वेन आई गॉट रिकमेंडेड योर चैनल तो मैंने जब जाके देखा mm -hmm. तो मेरे को कॉन्सपरेंसी थ्योरीज दिखे एंड आई पर्सनली हैड नो इंटरेस्ट इन कॉन्स्परेंसी थ्योरीज टू बी वेरी ऑबियस वो इसलिए क्योंकि जब हम लाइक मैन आई यूज टू डिबेट इन कॉलेज तो काफी कॉन्सप्रेसी थ्योरीज हमने पढ़ ली है काफ़ी पे हमने डिबेट किया है तो वो फेज़ मेरी लाइफ का निकल चुका है जब मेरे को कोई कॉन्सप्रेसी थ्योरी इंटरेस्टिंग रहेगी कि अरे ऐसा होता तो क्या होता दोस्ट चैनल बट देन आई सो योर ये एम ई वे म्यूजिक वीडियो वाला वीडियो really uh, yeah, yeah. वो वीडियो मेरे को बहुत पसंद <laughs> आया <laughs> <laughs> बहुत ही ज़्यादा पसंद आया

कंस्पेसी थियरीज लाइक जब भी मैं बनाता था मतलब जब भी प्लान मैंने अच्छा मैं सबसे पहले बताता हूँ मेरा कंस्पेसी थियरीज़ के बारे में पता कैसे चला मैं रैंडमली यूट्यूब सर्व कर रहा हूँ मैंने नाम सुना हुआ था शेन डॉसन ओके नाम सुना हुआ है वही फाइन ब्रदर्स के रिएक्ट में कभी आया हुआ ठीक है मैं स्क्रोल कर रहा हूँ मेरे को एक थमनेल दिखता है जिसके अंदर एक साइड में बंधा शेन डॉसन ऐसे खड़ा हुआ है उसमें लोगन पॉल है यू एफ ओज है एलियंस हैं दो तीन चीज़ें और हैं एंड आई एम लाइक एंड टाइटल था क्रेजी कंस्पेसी थियरीज आई एम लाइक ये क्या है Hmm. कि मतलब भाई क्या हो रहा है ये मैंने उस पर क्लिक करा एंड शेन डॉसन का इंट्रो आता है टन टन वो, वो पूरा क्रीपी वाइब्स एंड बहुत हाईली प्रोड्यूस्ड उसके स्टार्टिंग के पांच सेकेंड के अंदर मेरे को पता चल गया था ये वीडियो बहुत एपिक होने वाली है और मैं पागल होने वाला तो वो चीज़ जब मेरे को हिट करी एंड आई वॉज लाइक कि भाई ये होता है कंटेंट ऐसे hmm. सेल करा जाता है उसके बाद मैंने कंस्पेरेसी थी उससे पहले मेरे को पता भी नहीं था मैंने वर्ड भी नहीं सुना था कंस्पेरेसी एक्चुअली बता रहा हूँ मैं कंसपेरेसी थियोरीज में वो पता भी नहीं था क्या होता है मैंने उसकी वीडियो देखी एंड आई आवाज लाइक भाई पूरी दुनिया नकली है सब झूठ है <laughs> उसके बाद मैं बिंज वॉच करता गया एंड उसके बाद मैंने सर्च करा इंडियन कंस्पेरेसी थियोरीज एंड मेरे को कुछ नहीं मिला इज लाइक समथिंग इज रॉन्ग ये क्यों नहीं? नहीं है इंडिया में क्यों नहीं है ये कल्चर तो मैंने जो अब अपनी पहली बनाई थी वो मैंने इसलिए नहीं बनाई थी कि लोगों को पसंद आएगा वो मेरे को खुद के लिए बनानी थी hmm. कि अगर मैं दोबारा सर्च करूँ इंडियन कंस्परीसी थ्योरी इंडियन कंस्पेरसी थियरीज़ या कोई और भी करता है तो उसको मेरी वीडियो मिल जाए उसको कुछ तो मिले इंडिया में कल्चर तो शुरू हो yeah. उसके अंदर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया फिर ये जो अंदर ये इस चीज़ के लिए जो नशा था कंस्पेरेसी थियरीज के लिए क्योंकि मिस्ट्री बहुत yeah. पसंद आती है लोगों को तो मिस्ट्री से ये शुरू हुआ वन टू थ्री फोर फाइव पाँच पार्ट आ गए हैं ठीक है yeah. पहले स्टार्टिंग वाली पे 2000 व्यूज़ आए थे फिर उसके अगले दस पे फिर 20 पे और अभी लेटेस्ट वाली पे चार लाख व्यूज़ हैं और नेक्स्ट पे मैं मिलियन क्रॉस करना चाह रहा हूँ तो मैं मैं बस चाहता हूँ कि इंडिया में ये कंस्पेरेसी वाला कल्चर आए क्योंकि लोग आउट ऑफ द बॉक्स सोचते ही नहीं है जो सामने है वही है सच वही बात also. है एंड hmm. पैसे की बात आती है तो इससे मैंने कुछ नहीं कमाया कंस्परेसी थेरी जस्ट व्यूज़ ऑडियंस एंड रिस्पेक्ट लेकिन मनी मेरे पास जीरो आया इनसे क्योंकि ये कंटेंट ऐसा है कोई भी एडवर्टाइज़र आके जो उसका कोई प्रोडक्ट है उसे ऐड्स चलाएंगे यूट्यूब पे वो कभी भी ऐसी वीडियो पे नहीं चलाएगा जिसके अंदर या तो मैं मोदी के बारे में कुछ बोल रहा हूँ या फिर मैं ये बोल रहा हूँ कोई वैक्सीनेशन ख़राब है या बायो वेपन्स की बात कर रहा हूँ कोई उस पर अपना प्रमोट नहीं करना चाहेगा तो वही रीजन है कि सारी ऑलमोस्ट सारी डिमोनेटाइज हो जाती है कुछ कुछ पे एड्स आती हैं तो पैसा तो इससे कुछ नहीं आता

Yeah. तो उस उसका मतलब अटैम्प्ट अच्छा था बट स्टिल उसने नहीं कर पाया उस लेवल पे पहली बात तो मैं मैंने बेस्ट से सीखना शुरू करा विच इज़ शेंडसन मैं उसकी एडिटिंग देखी मैं स्टोरी टेलिंग में एडिट कैसे कर रहा है इंपैक्ट कैसे डाला जा रहा है प्रेजेंटेशन कैसी है मैंने बहुत सीखा उससे देन उसके बाद हो गया भाई ठीक है शेन डॉसन सीख लिया अब मैं हॉर मूवीज देखता हॉर मूवीज़ में हमेशा से इंटरेस्ट था तो उससे सीखना शुरू साउंड इफेक्ट्स और मतलब स्टोरी को कैसे नरिएट करना है और जैसी मेन पॉइंट हिट हुए तो कौन सा साउंड इफेक्ट आना चाहिए कैसा फील कराना है ऑडियंस को तो इस चीज़ को प्लान करने में मंथ्स लगते हैं ऐसा नहीं है कि एक दिन बैठे तुमने तो लिख दी सारी स्क्रिप्ट्स अगले दिन शूट करें तीसरे दिन एडिट करके चौथे दिन डाल दी इसमें महीनों लगते हैं क्योंकि कंस्पेरेसी थियरीज कलेक्ट करने में खुद सोचो एक कंट्री है जहाँ पे कोई कल्चर ही नहीं है कंस्पेरेसी थियरीज़ का hmm. उसके अंदर तुम्हें कंस्पेरेसीज ढूंढनी है <laughs> तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है बहुत मुश्किल हो जाता है तो ऐसे करना फिर स्टोरी टेलिंग पता नहीं मैं पूरा पूरा ट्राई करता हूँ कि मैं बेस्ट वे में जो भी थियरीज हैं उन्हें बता सकूँ फैक्ट्स अच्छे से ला सकूँ फैक्ट्स तो कम ही होते हैं क्योंकि वो एक कंस्परिससी थियोरी लेकिन ऐसा फील हो जाए ऐसा फील हो जाए कि हाँ ये हो सकता है और अगर ये हो रहा है तो ये बहुत गलत हो रहा है लोगों के माइंड में ये डालना है तो वही पूरी कोशिश रहती है अभी भी काफ़ी इम्प्रूव करना है तो टाइम के साथ करते जाएंगे इम्प्रूव नो बट सर्टन थिंग्स इन योर लाइफ लाइक ये स्टोरी टेलिंग का जो शौक होता है ना ये कहानी सुनाने का लोगों से लोगों को कुछ नया बताने का ये बचपन से सा आई हेव हैड दिस थिंग इन साइड मी जब से मैं थर्ड क्लास से जब मैं स्टोरीज पढ़ता था नॉवल मतलब हमारे स्कूल में होता था एक लिटरेचर के में आई एस सी में आई सी एस सी में होता है यू हैव वन प्रोज वन पोएट्री एंड एक रैंडम कोई नावल पकड़ा देते थे तो वो पढ़ो तो उस तो हाँ। कहानियाँ सुनने पढ़ने का शौक मेरे को बहुत से एंड विच इज़ वाई आई पर्सनली फील कि मेरी जो स्टोरी टेलिंग की जो वो होती है क्या कहते हैं द फायर विद इन दैट स्टार्टेड अबाउट यू स्टोरी टेलिंग मेरा ऐसे एस सच ये नहीं है कि आई वॉन्ट बी अ स्टोरी टेलर और मतलब मेरे को बेस्ट बनना है स्टोरीज लिखने में या क्रिएट करने में मेर, मैं मेरा मेन कॉन्टेंट जो है जो मैं बनाता हूँ मेरी लाइफ का पर्पस लोगों से रिएक्शन निकालना है oh. मैं रिएक्शंस के लिए जीता हूँ मतलब अगर कोई मेरे को ये बोले ना कि कंस्पेरेसी थियरीज है कंस्पेरेसी थियरी सिक्स बनानी है जिसपे एक लाख व्यूज आएंगे लेकिन लोगों की हालत ख़राब हो जाएगी वो देख के एंड दूसरी साइड तुझे एक अपनी नॉर्मल वीडियो निकालनी है जिसपे दस मिलियन व्यूज़ आएंगे और पैसे भी आएंगे तो मैं कंस्पेरेसी थियोरीज पे जाऊंगा क्योंकि मेरे को वो रिएक्शन जब मिलता है ना वो मेरे को ऐसा एड्रीन रश देता है ना अंदर से मैं मेरे को लगता है कि मेरे को सक्सेस मिल गई है जब मेरे को लोगों से रिएक्शन आता है क्योंकि मैं कंस्पेरेसीज बनाता हूँ उसके कॉमेंट्स में जब लोग लिखते हैं ना कि भाई ये क्या बता दिया रात को नींद नहीं आ रही मतलब हालत ख़राब हो गई तो वो इतनी खुशी देता है ना मुझे कि यही पर्पस था मेरा मेरे को तुम्हारी नींदें ही उड़ानी थी तो वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है मैं रिएक्शंस के लिए जीता हूँ स्टोरीज स्टोरी टेलिंग मेरे को अभी भी लगता है कि मेरे को काफ़ी इंप्रूव करना है लाइक like, मैं तुम्हारे लेवल mm. पे नहीं हूँ और जो बाकी एनिमेटर्स हैं जो स्टोरी टेलर्स मैं उनके लेवल पर नहीं हूँ बट स्टिल मैं ट्राई कर रहा हूँ वो थोड़ा जो साउंड इफेक्ट्स म्यूजिक मतलब विजुअल इफेक्ट्स हैं वो थोड़ा हेल्प कर देते हैं स्टोरी को अच्छे से प्रेजेंट mm. करने में ओके सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि यू यू जस्ट सेट कि इससे व्यूज आते हैं ऑडियंस आता है रेवेन्यू नहीं आता है वॉट अदर थिंग यू डू इन योर लाइफ फॉर दिस रेवेन्यू पार्ट ऑफ इट स्टली बताओ आई एम ब्रोक राइट ना आई एम नॉट मेकिंग एनी मनी लाइक एनी मनी लाइक मैं इतना काम करता हूँ ना मेरे कुछ चिल्लर मिलता है बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा यूट्यूब पर जाता है मेरा मेन चैनल फेंग मेक्स नो मनी ऑलमोस्ट जीरो है उससे कुछ पैसा नहीं आ रहा मेरे पास सेकेंड चैनल जो अभी बनाया उस पर अभी अभी मोनिटाइज हुआ है उस पर हाफ ए मिलियन व्यूज़ है और मैंने पाँच डॉलर छः डॉलर बनाया आई डोंट नो वाई यूट्यूब को क्या प्रॉब्लम है मुझसे बट आई एम नॉट मेकिंग मनी तो यूट्यूब का तो छोड़ ही दो दूसरी चीज़ आती है स्पॉन्सर्स स्पॉन्सर्स आते हैं छः महीने में एक स्पॉन्सर hmm. ठीक है स्पॉन्सर्स भी कम है और अब तो ये पूरा कोरोना का सीन चल रहा है कंपनीज बंद हो रही है स्पॉन्सर्स भी कम होने वाले हैं इसके अलावा आई एम एन एडिटर तो मैं फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स अब जैसे कोई सिनेमाटोग्राफर है उसने कहीं शूट कर लिया तो ही इज़ लाइक कि तू ये एडिट कर दे तो उससे थोड़ा मैं चार्ज कर लेता हूँ वो भी प्रोजेक्ट्स बहुत मिनिमल होते हैं तो मेरे को बहुत सारे लोगों से कॉन्टैक्ट्स बना के रखने पड़ते हैं नेटवर्किंग करनी पड़ती है कि मेरे को यहाँ से काम आ जाएगा यहाँ से आ जाएगा दूसरी साइड जैसे मैंने बताया था फिंग बीट से वहाँ से बहुत ही थोड़ा थोड़ा मतलब महीने का पाँच हज़ार ले लो छः हज़ार ले लो ऐसे आता है कि मैंने गाने मिक्स कर दिए पाँच छः लोगों के तो फ़िलहाल तो कोई प्लान नहीं है अभी कि मतलब मैं ऐसा पैसे बनाने के साइड ज़्यादा सोचूँ अभी मैं यही फोकस कर रहा हूँ कि कंटेंट अपने हिसाब से बनाऊं ऑडियंस गेन करूं और मेरे को यही लगता है कि जब तक मर्चेंडाइज नहीं आएगा मेरा आई डोंट थिंक कि फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो पाऊंगा मैं इस पूरे जो भी मैं वीडियोज़ वगैरह बना रहा हूँ उस साइड से ओके द थाट वॉज दैट वट एवर यू आई आई रिलेट प्रॉपरली टू दॉट दैट यू हैव कि अभी रेवेन्यू नहीं mm. आ रहा है बट वॉट एवर यू आर बिल्डिंग टू वर्ड्स यू हैव थ्री चैनल्स है ना तीन चैनल हैं यू हैव यू आर बिल्डिंग दिस रेपटेशन एज अ म्यूज़िक प्रोड्यूसर बिल्डिंग इज रेपेशन एज एन एडिटर योर बिल्डिंग इज रेपेशन एज वीडियोग्राफर ये जब सारी चीजें आज से तीन चार पांच साल बाद जब वैन दे ऑल कन्वर्ट टुगेदर एंड वेन दे ऑल बिकम रेवेन्यू स्ट्रीम देन दिस विल ऑल पे ऑफ वेरी वेल्ट लेकिन एक और चीज जो मेरे को अभी मैं काफी वर्ड फील करता हूँ सोच के इज ये ना हो कि मतलब जैक एफोल्ड ऑल ट्रेड्स वाला ना हो जाए सीन कि मतलब सब कुछ आता है लेकिन किसी में भी मास्टर नहीं है और मैं एक किसी चीज़ पे फोकस करता हूँ ना एक किसी चीज़ को मास्टर करने की कोशिश करता हूँ मेरे को ये लगता है कि एक ही चीज़ पे क्यों फोकस कर रहा हूँ मैं बाकियों पे भी करता हूँ सारे एक साथ चलेंगे तो ये जो थाट प्रोसेस है ना मेरे को यही लगता है कि अभी ना एक गैम्बल कर रहा हूँ मैं कि सारी चीज़ों पर फोकस कर रहा हूँ और सारी चीज़ें आगे रिटर्न देगी हो सकता है आगे सारी ना दे मैं कुछ और ही कर रहा हूँ तो यू

और द मतलब लीस्ट एफर्ट दीस्ट एफर्ट्स की यू स्टार्ट टीचिंग दी स्किल्स क्योंकि सेल्फ लर्निंग uh, करने वाले लोग सबसे आराम से सिखा पाते हैं बिकॉज आई नो ऑफ अ फ्यू पीपल आई नो ऑफ अ फ्यू पीपल जो स्किल चेयर वगैरह पर अपनी क्लासेस डालते हैं वन टाइम एफर्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग दीज क्लासेस एंड देन इट कीप्स ब्रिंगिंग अ ब्रिंगी स्ट्रीम ऑफ रेवेन्यू फॉर दैम आई डू दैट कि जैसे काफी सारे लोग पूछते हैं कि जो कंस्पेसी हो गया हॉल कंटेंट जो भी हो गया कि लिखता कैसे है प्रोड्यूस कैसे करता है प्रोसीजर क्या है तो बीच में दिमाग में आया था कि अगर मैं इसके लिए पाँच एपिसोड की भी सीरीज बना देता हूँ जिस पर मैं लाइक like, एक प्राइस अगर लगा दूँ तो मतलब बहुत थोड़ा सा प्राइस कि जिससे सब खरीद सके तो वो पांच एपिसोड्स देखने के बाद कोई भी मेरे तरह वीडियो बना सके एटलीस्ट ट्राई कर सके लेकिन उसमें दो नुकसान थे एक तो एफर्ट बहुत ज़्यादा है कितने लोग खरीदेंगे और yes. अगर कोई और मेरे जैसा बनाने लग गया तो फिर क्या मेरी वैल्यू रहेगी hmm. ये जो क्वेश्चन आ दा. जाता है हाँ ये बहुत मतलब ऐसे लगता है मतलब बहुत शालो थाट लगता है बट सोचने की बात है नॉट इवन अ शालो थाट इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल थाट अगर जो मैं कर रहा हूँ अभी तो कोई नहीं कर रहा दैट थॉट इन योर हेड कि अभी तो कोई कर नहीं रहा है वो अगर आने लगेगा और वो मेरे से बेटर कर जाएगा तो फिर मैं क्या करूंगा हाँ तो मैं बस यही सोचता हूँ कि एक बार मैं उस लेवल पे पहुँच जाऊँ कि हाँ भाई अब इस लेवल पे आ गया हूँ मैं कि सबको पता है मेरे बारे में तो अब कोई और भी आता है तो स्टिल लोगों दिमाग मेरा हाँ भाई सबसे पहले करा तो रोहन नहीं था आया तो फिंग नहीं था तो जिस स्टेज पर मैं जिस दिन पहुँच गया ना उस पर उस दिन मैं सारे सीक्रेट्स खोल दूँगा अपने <laughs> तो उस दिन सब कर बट स्टिल यूर अबाउट टू क्रॉसरेड के सब्सक्राइबर होपफुली बाई दफ़ दिस मंथ उसके बाद क्या प्लान है आई डोंट नो हंड्रेड केस का थे के बाद में डिप्रेशन में चला जाऊंगा। क्योंकि मेरे को ये पता <laughs> है जीरो से हंड्रेड के पे आने तक ये रहता ओ हंड्रेड के हंड्रेड के हंड्रेड के हंड्रेड hmm. के से मिलियन इज लाइक टेन टाइम्स तो Definitely. कैसे होगा वो मेरे को समझ नहीं आता hmm. बट स्टिल देखते हैं काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि स्टार्टिंग के हंड्रेड सबसे ड्राफ होते हैं उसके बाद जर्नी इजी हो जाती है लेकिन ये सेम कहानी मैंने टेन के टेन के पे भी सुनी थी ये सेम कहानी मैंने <laughs> वन के पे भी सुनी थी तो True. कुछ नहीं पता लेकिन इसके बाद हंड्रेड के ना यार बहुत बड़ा नंबर होता है तो अभी hmm. से ही मेरे को हंड्रेड के अभी मैं पहुँचा hmm. भी नहीं हूँ इसलिए मैंने सेकेंड चैनल खोल लिया क्योंकि जो मैं सेकेंड चैनल पर डाल रहा हूँ वो टोटली मस्ती मज़ाक जो असली रोहन है ना जो अपने चिल्ड जोन में रहता है गेमिंग कर रहा है म्यूज़िक रिव्यूज़ डाल रहा है वो सबको सेकंड चैनल पे कर दिया कि भाई ये मेरा प्ले जोन है यहाँ पे मैं मस्ती करूँगा ऑडियंस hmm. के साथ इंट्रैक्ट करूंगा लेकिन जो फिंग है उसको मैं अब प्रोफेशनल बनाना चाह रहा हूँ कि उस पर कॉन्टेंट ऐसा है कि लोग की देख के ऐसे आंखें बड़ी बड़ी हो जाए कि भाई ये क्या डाल दिया इसने माई क्वेश्चन टू दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज आई कैन फील माई सेल्फ इन द सेम बोट मेरा जो मेन चैनल है उस पर मैं टी वी शोज के बारे में बात करता हूँ अपने जो जो मेरे ओपिनियंस होते हैं अबाउट द वर्ल्ड वो डालता हूँ तो hmm. वो थोड़ा बिल्कुल टू द फेस है बहुत सीरियस टाइप का कॉन्टेंट है वहाँ पे hmm. बट ये अदर चैनल जिसमें यह पॉडकास्ट जाएगा वहाँ पर मैं थोड़ा चिलूँ वहाँ पे मैं, मैं कहानियाँ सुना रहा हूँ पॉडकास्ट कर रहा हूँ एक और चैनल है जहाँ पे मैं गेमिंग कर रहा हूँ वट हैव सीन इज की दी ग्रोथ ऑन दी सेकेंड एंड थर्ड चैनल बाई कम्पेरिजन टू द फर्स्ट चैनल इज लाइक हंड्रेड एक्स और मेरे को मतलब डर नहीं है आई नो दिस फॉर श्योर कि दिस पॉडकास्ट एंड दिस स्टोरी टाइम चैनल हैज दोटेंशियल टू क्रॉस माई मेन चैनल तो मेरे दिमाग में जो एक थाट है कि ये जो मैं इतनी मेहनत यहाँ पे कर रहा हूँ अपनी एक पब्लिक परसेप्शन बनाने में उससे बेटर कि मैं इसी पे फोकस करूँ या नहीं करूँ जहां पे मैं खुद लाइक बाय बीइंग माय सेल्फ बीइंग वेरी फ्री बीइंग वेरी फ्रैंक उस उसपे ज्यादा ग्रोथ मिल रहा है योर एक्सपीरियंस हैज बीन सिमिलर दस ग्यारह हजार सब्सक्राइबर हो गए थे उस चैनल पर सेकेंड वाले में जब मैंने लास्ट चेक करा था and and all, मैं yeah. समझ रहा हूँ तुम्हारा पॉइंट लेकिन yeah. एक चीज है कि जैसे अब हमने जो हमने जीरो से मेरी जो जर्नी अभी हंड्रेड के तक ले लो प्राइमरी चैनल पे जब जीरो पे स्टार्ट करा था तब मेरे को कोई एक्सपीरियंस नहीं था मैं कुछ नहीं पता था क्या करना है मैं मस्ती ही कर रहा था लेकिन वो जो हंड्रेड के तक की जर्नी है जितना उसने उसके अंदर मैंने सीखा है वो सारा सीखा हुआ मैं सेकेंड चैनल में स्टार्टिंग में ही लगा रहा हूँ लाइक दैट्स द पॉइंट दैट्स द रीज़न वो इतना ग्रो करता है जल्दी और अगर सेकेंड चैनल हम दोनों का ग्रो करता भी है तो प्रॉब्लम क्या है सेकेंड चैनल से प्राइमरी पे भी तो जा सकते हैं लोग Yeah. वही है तो हाँ थोड़ा वो अंदर से लगेगा कि मतलब यार क्या लोग हैं सेकंड चैनल पे चले गए प्राइमरी पे इतना बढ़िया कर दिया बट ऑडियंस ऑडियंस है ऑडियंस इज ऑडियंस या मतलब माई माई ओपिनियन इज कि हर चीज़ के लिए ऑडियंस है डिपेंड्स अपॉन कि तुम कितने प्यार से उनको वो चीज़ें सर्व कर रहे हो ओके बट योर मेन चैनल इज अबाउट दी प्रोफेशनल स्टअफ़ अबाउट द मोर मतलब हैविली प्रोड्यूस दी अदर चैनल न्यू चैनल स्टार्टेड इज अबाउट वॉट इज़ाउ इट्स अबाउट एवरी थिंग which इज़ नॉट हाईली प्रोड्यूस्ड लाइक जहाँ पे मैं अपने डेस्क पे बैठ के मस्ती करके वीडियोस डाल सकूँ और लोगों को बहुत एंटरटेनिंग लग रही है द फनी थिंग इज कि मैं उस पर ट्राई नॉट टू लाफ डाल रहा हूँ लोग हंस रहे हैं hmm. लाइक कर रहे हैं वीडियो नीचे कॉमेंट्स में डाल रहे हैं उसके बाद में गेमिंग डाल रहा हूँ गेमिंग देख रहे हैं एंड मेको ये hmm. पता है ये सेम वीडियोज मैं प्राइमरी पर डालता हूँ वहाँ पर नहीं देखते और मेरे को समझ नहीं आता क्यों क्या मतलब रीजन क्या है तो प्राइमरी पे अब वही म्यूजिक वीडियोज़ वगैरह जो मतलब हाईली प्रोड्यूस है जिसके अंदर बेसिकली मैं तीन दिन से ज़्यादा का काम लगा रहा हूँ वो प्राइमरी पे जाएगा और जो वीडियोज़ मैं एक दिन में निकाल रहा हूँ कुछ घंटे में बना रहा हूँ वो सेकेंड चैनल पर मैं कुछ भी ऐसा नहीं क्योंकि प्राइमरी चैनल पर क्या हो रहा था कि मैंने इतनी सारी वीडियोज़ बनाई थी मैं वीडियोज़ फ़ाइनल करके रेंडर कर दी उसके बाद मेरे को रियलाइज़ होता कि ये इतनी अच्छी नहीं है कि इनका लेवल वो नाइन्टी फाइव के वाला नहीं है तो मैं उनको नहीं डालता था तो मेरे पास वो इतना सारा बंडल पड़ा हुआ था आई वॉज लाइक ये ये भी प्रोडक्ट्स ही है मैं इनको कहाँ डालूँ तो वाई नॉट मेक अ सेकेंड चैनल तो सेकेंड चैनल बनाया वहाँ पर फिर अब मैं गेमिंग कर रहा हूँ मेरे को बहुत मज़ा आ रहा है आई एम इन्जॉइंग लाइफ ओके अनदर क्वेश्चन इज अबाउट द ऑडियंस ठीक है वट आज योर एक्सपीरियंस बीन विद योर ऑडियंस बिकॉज मैं ये बहुत खुद भी एक्सपीरियंस करता हूँ Mm -hmm. कि वन यू पुट योर हार्ट एंड सोल इन वीडियो द ऑडियंस जस्ट केयर अबाउट इट एंड दिस इज प्राइमरी अबाउट द मेन चैनल जहां पे यू डोंट गिव अ डैम कि मैं कुछ भी डाल रहा हूँ वो चल रहा है दैट इज वेर द ऑडियंस सीम टू रेजोनेट बट ऑन द मेन चैनल वेर यू पुट लाइक डेज एंड मंथ्स इन टू वीडियो एंड उसके बाद भी वो वीडियो नहीं चलती है हाउ डू यू हाउ डू यू डील विद दैट यार YouTube की जर्नी में अप्स एंड डाउन हैं एब्सल्यूटली है और ये कई बार ऐसे होगा कि एक वीडियो पे तुमने आधा घंटा लगाया एंड वो वन लाख क्रॉस कर गए यानी एक वीडियो पर जिस पे तुमने तीन हफ्ते लगाए हैं उस पर दस हज़ार व्यूज़ भी नहीं आ रहे तो वो चीज़ें हर्ट करती है लेकिन उसका उससे तुम अपनी ऑडियंस के बारे में ही सीखते हो उसके अंदर लॉस इतना कोई बड़ा नहीं है तुम उससे अपनी ऑडियंस के बारे में इतना जान जाते हो ना कि मेरी ऑडियंस मेरे चैनल पर इसलिए है उनको ये मतलब मतलब उनको एक तो वीडियो के थमनेल से उन्हें नहीं पता चलेगा कि तुमने कितनी मेहनत करी है कि थंबनेल बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो कई बार मैंने देखा है ऐसे कि लोग बहुत मेहनत करते हैं उनका थंबनेल ही बेकार होता है उसकी वजह से उनकी वीडियो नहीं चलती थंबनेल थमनेल पैकेजिंग वीडियो की एक तरीके से mm. तो एक तो वो रीज़न हो जाता है लेकिन जैसे मेरे साथ भी कई बार हुआ है अब जैसे मैंने मेन चैनल पर सेकेंड लास्ट वीडियो थी मेरी डार्केस्ट डे ऑफ माई लाइफ उसके अंदर मैं भाई, भाई रो रहा हूँ mm. थमनेल में भी वीडियो में भी ये वो बहुत पर्सनल वीडियो थी उस पर मैं देख रहा हूँ भाई फिफ्टी के व्यूज़ एंड आई वॉज लाइक ये क्या हो रहा है <laughs> तो उससे मेरे को ये पता चला कि ऑडियंस को ड्रामा बहुत पसंद है ऑडियंस को इमोशनल टच और जब कोई एकदम वनरेबल होता है ना उनका फेवरेट क्रिएटर तो उनको वो देखना अच्छा लगता है मेरे को ये चीज़ या yeah, मेरे को ये चीज़ बहुत पता चली कि भाई ऐसा भी होता है उसके बाद फिर हमारा जो कलाब था hmm. मैं उस पर एक्सपेक्ट कर रहा था कि बहुत सारे व्यूज़ आएंगे अनफॉर्चुनेटली नहीं आए ठीक ठाक आए थर्टी फाइव के आए थे बट मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था ये तीन क्रिएटर थे हमारे साथ रोहन भी, था तो उससे मेरे को ये समझ आया कि ऑडियंस को ये रीमेक्स कौन कौन से प्रोडिक्शंस में इंटरेस्ट नहीं है मेरी ऑडियंस को तो मेरे को ये पता है मैं दस और अच्छी वीडियोज़ रहा था मेरे को ये नहीं पता चलता कि मेरी ऑडियंस को ये चीज़ नहीं पसंद क्या नहीं पसंद हाँ तो नहीं। क्या नहीं पसंद है ऑडियंस को ये भी पता होना बहुत ज़रूरी है क्स्ट क्वेश्चन की उससे ग्रोथ मिल जाता है उनको वॉट इज यियन ऑफ देट की लड़ाई करके बड़े आराम से ग्रोथ मिल जाता है, बड़, पता है? हाँ. के पास मैं लैम्बोज है, है hmm. सुंदर सुंदर लड़कियाँ मतलब सब है उसके पास थोड़े दिनों पहले लोगन पॉल के पॉडकास्ट पर वो रो रहा था कि hmm. मेरे को नहीं पता मैं अपनी लाइफ के साथ क्या करूँ तो उससे ये चीज़ पता चली कि ठीक है ये पैसा फेम सक्सेस ठीक है लेकिन जब तक, तक तुम अंदर से खुद को फुलफिल नहीं कर रहे हो ना जब तक, तक तुम अंदर से अच्छा कंटेंट निकाल के नहीं डाल रहे हो बाहर तुम मेंटली सैटिस्फाइड नहीं रहोगे और मेंटली सैटिस्फाइड होना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो अगर तुम कॉन्ट्रोवर्सीज कर लो तुम सब कर लो तुम गेन कर लोगे सब कुछ लेकिन एंड में जाके ना तुम यही रियलाइज़ होगा कि मैंने ऑडियंस कैसे कमाई लड़ाई करके झगड़ा करके मैंने कुछ क्रिएटिव नहीं करा कुछ कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करा है कम्युनिटी को तो वो चीज़ ना फिर आगे जाके क्रिएटर्स को खा जाती है अंदर से तो मेरे को मेरे साथ सेम चीज़ हो रही थी मैं म्यूज़िक रिव्यूज़ बना रहा था अपने मेन चैनल पे तो उसके बाद मेरे बहुत ब्रिलियंट चल रहे थे म्यूज़िक रिव्यूज़ लाइक मैं इतने व्यूज़ ले रहा था इतने सब्सक्राइबर्स ले रहा था स्टार्टिंग में इनिशियली मैं बहुत खुश था कि लाइक like, ये तो बेस्ट चीज़ है ये तो फ्री के व्यूज़ है भाई मतलब रिव्यूज़ बनाओ अपनी ओपिनियन रखो और मेरा थोड़ा मतलब म्यूज़िक साइड भी था तो मैं म्यूज़िकली भी एक्सप्लेन कर देता था तो उस चीज़ से भी ऑडियंस आ रही थी लेकिन एंड में मेरे को रियलाइज हो गया कि ये जो ऑडियंस आ रही है ये मेरी ऑडियंस नहीं है ये उन क्रिएटर्स की ऑडियंस है जो मेरा रिएक्शन जानना चाह रही है बेसिकली है। वो मेरे मतलब मेरी अपनी ऑडियंस नहीं है तो वो चीज़ ना एंड जा में जाके मेरे को खाने लग गई अंदर से कि मेरा कॉन्टेंट क्या है फिर तो उसके अंदर से फिर वो कंस्पिरिसी वाला जानवर जागा अंदर से एंड अब सबसे ज़्यादा चलने वाला कॉन्टेंट है तो कॉन्ट्रोवर्सी कर लो जितनी करनी कर लो मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स गेन कर लो लेकिन एंड ऑफ द डे तुम्हें यही लगेगा कि तुमने क्या करा है कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करा है. तुम ऐसे ना वेस्ट की तरफ फीलिंग आएगी तुम्हें एंड आई आई थिंक दैट दैट इज द ट्रेंड सी इन अ लॉट ऑफ न्यू यूट्यूबर्स दैट आर कमिंग न्यूटर्स कि वो जो अपने ऑडियंस बना रहे हैं वो अपनी खुद की पर्सनैलिटी के ऊपर बना रहे हैं वही लाइक like अपनी पर्सनालिटी फ्यूल्ड एन सी दैटिंग आई कि उनकी पर्सनैलिटी देखने के लिए कोई आता है मेरे को... उनके वो देखने आते हैं mm -hmm. uh, मेरे को, मेरे को ये लगता है कि जो अभी बड़े क्रिएटर्स हैं बीबी को छोड़ के उनका mm. जो भी कंटेंट है मैं गारंटी लेता हूँ वो अपने कॉन्टेंट से खुश नहीं होंगे और अगर वो खुश है तो उनके साथ कुछ गड़बड़ है सही में क्योंकि वो वही टी सीरियल लेवल का मूवी लेवल का जो पहले अक्षय कुमार की मूवीज़ नहीं आती थी, थी वैसे कॉमेडी कर रहे हैं कुछ पॉइंट नहीं है कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे कुछ मीनिंगफुल नहीं कर रहे उनको बस अभी ये करना पड़ रहा है क्योंकि उनके ऑडियंस इतनी डेवलप हो गई है उन उन पर ये बर्डन बन गया एक तरीके से तो अगर वो इस अब तुम कंट्रोवर्सी कर लोगे तुम ऐसा कंटेंट क्रिएट कर लोगे स्टार्टिंग में अगर तुम्हारा एम ये है ना कि मैं बस ऑडियंस गेन कर लूँ कुछ भी करके तो ये आगे ये मेरा भी था और ये बहुत सारे होता है लेकिन आगे जाके तुम इतना सफर करोगे ना क्योंकि उसके बाद जब तुम्हारा मन करेगा ना कुछ और करने का तुम्हारी ऑडियंस एक्सेप्ट ही नहीं करेगी उस चीज़ को और वो चीज़ इतना दिल दुखाएगी तुम्हारा तुम्हें ये लगेगा मैंने इतना हार्डवर्क करा इस पर और अब मेरी ऑडियंस ही मेरा जो मैं चीज़ करना चाह रहा हूँ वो एक्सेप्ट नहीं करेगी तो कैरी का इस चीज़ में ये फ़ायदा था उसने स्टार्टिंग में करा जो उसे पसंद था लेकिन उसने मेनली अपनी पर्सनैलिटी वजह से ऑडियंस खींची तो अब वो म्यूज़िक कर पा रहा है स्ट्रीमिंग कर पा रहा है उसकी पर्सनैलिटी लोगों को अच्छी लगती है ठीक है लेकिन मैंने और देखे जो रिएक्शन चैनल्स हैं उनका यही तो हाल होता है उनको बाद में यही उनको आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाता है भाई हम क्या कर रहे हैं हम कौन है हम हमें कौन देखने आ रहा है तो वही है अभी मैं यही मानता हूँ कि जो नए क्रिएटर्स हैं उन्हें स्टार्टिंग में आके ना अपनी पर्सनालिटी के ऊपर ही चैनल ग्रो करना चाहिए बेशक स्लो रहा हो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन आगे जाके इतना हेल्प करेगा ना पापा ओकस को देखो टैंक ऋष्यू को दे पापा ओकस सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है इस चीज़ का क्योंकि वो लिटरली okay. वो उसको फर्क नहीं पड़ता वो जैसा है वो वैसा ही रहेगा एंड वो आगे जाके कुछ भी डाले लोग उसको देखेंगे क्योंकि लोग उसकी पर्सनैलिटी के लाया एंड आई आई डोंट नो क्वेश्चन क्या था मैं कहाँ ऑफ टॉपिक चला गया हूँ <laughs> <laughs>

जब तक तो वो इंसान से तुम खुद पर्सनली रिलेट नहीं कर सकते तब तो, तो तुम क्या मतलब हाउ हाउ यू सपोज टू कनेक्ट विद पर्सन ऑन स्क्रीन यू कैन लाव विद देम फॉर फाइव मिनट्स बट उसके बाद जस्ट गॉन एक्जैक्टली दैट्स द रीजन भुवन बाम सबसे लव्ड क्रिएटर है बिकॉज वो इतना रिलेटेबल है उसकी पर्सनैलिटी भी इतनी अच्छी है उसमें कोई कमी नहीं है ठीक है मुंबई कर निकल में तुम कमी निकाल सकते हो उसने पंगे कर रखे हैं इतने क्रिएटर्स हैं अमित भडाना का मैं देखता नहीं तो आई रियली डोंट नो लेकिन मोस्टली सेम सेन कर वही सेम स्किट्स हो गए अभी रिक्शा वाली ने नाम चेंज कर दिया था अपना उसका लेकिन कंटेंट वही है तो वही चीज़ें आ जा आ जाती हैं तो अब जैसे यही मैं दोबारा नाम ले रहा हूँ पापा ओकस हो गया डैंक्रिशो हो गया सन भी हो गया ये सारे क्रिएटर्स हैं ना yeah, so right, ये so. आगे जाके फेस बनने वाले हैं यूट्यूब का हंड्रेड ये तीन क्रिएटर्स तो टॉप में आएंगे हंड्रेड अगर ये ऐसे ही चलते रहे तो

मैं बिज़नेस बुक्स पढ़ता हूँ मुझे बहुत अच्छी लगती हैं बिज़नेस हो गया मोटिवेशनल हो गया मैंने और इंटरनेट तो है ही मैं यूट्यूब पे इतना टाइम स्पेंड करता हूँ ना चीज़ें गेन करने में क्योंकि यूट्यूब से ही मैं एडिटिंग भी सीख रहा हूँ कॉन्टेंट भी गेन कर रहा हूँ उसी पर कॉन्टेंट पोस्ट कर रहा हूँ चीज़ें सीख रहा हूँ तो मेन सोर्स मेरा नॉलेज का यूट्यूब ही है उसके बाद बुक्स वगैरह पढ़ता हूँ हाँ और बाकी मेरे जो दोस्त हैं आसपास वो बहुत अच्छे हैं सब अपनी अपनी फील्ड में मास्टर्स हैं आंगद फोटोग्राफी में मास्टर है यश म्यूजिक में है और और भी सारे दोस्त जो है मेरे वो अलग अलग फील्ड्स में तो उनसे मेरे को नॉलेज मिलता रहता है थोड़ा 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 तो मेरे को ये लगता है कि मतलब ये लोग हैं सफिशेंट नॉलेज दे देते दे मुझे तो हाउ इम्पॉर्टेंट इज इट फॉर यू पर्सनली टू हैव फ्रेंड्स हु कैन हेल्प यू ग्रो और हाउ इम्पॉर्टेंट इज शुड इट बी फॉर अ पर्सन तुम, तुम अकेले ग्रो नहीं कर सकते कर ही नहीं सकते ये जो कहते ना लोन वोल्फ वाली मैंटेलिटी है ना ये तुम्हारी यूट्यूब के टर्म्स में ही बताऊं दस हजार वन लाख मतलब वन मिलियन तक चला जाएगा लेकिन कभी ना कभी जाके तुम्हें लोगों की ज़रूरत पड़ेगी मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ क्योंकि मेरे दोस्त जो है अंगद है वो भी YouTube पे यश आया यश ने आते ही फोड़ दिया YouTube यार मतलब मैं तीन साल से YouTube करा मेरे हंड्रेड के नहीं हुए वो आया उसने आठ महीने में कुछ में कर दिया तो वो बहुत हार्ड वर्किंग है तो दोस्तों से बहुत फ़र्क पड़ता है वही कहते हैं ना जो तुम्हारे पांच क्लोजेस्ट दोस्त होते तुम उनका एवरेज होते हो तो वही बात है अगर तो तुम तुम्हारे दोस्त ही नहीं है तुम अकेले कर रहे हो तो ना तुम किसी से कुछ सीखोगे ना ग्रो कर पाओगे तो पॉइंट नहीं है हमेशा अपने आसपास वो लोग रखो जो ड्रिवन है किसी चीज़ के लिए कुछ नया करना चाहते हैं और hmm. तुम्हारा इंटरेस्ट कहीं ना कहीं सिमिलर हो ये चीज़ होनी चाहिए एंड हाउ हाउ डू यू आइडेंटिफाई दिस पीपल इन योर लाइफ फॉर अर अ से अ फिफ्टीन सिक्सटीन ईयर ओल्ड जो भी स्कूल में है जो भी टेंथ क्लास में एलेवेंथ क्लास में है ओके हाउ डज दैट पर्सन आइडेंटिफाई तो मेरी बहुत एक तो मेरी बहुत एक पर्सनल स्टोरी थी जो मैंने चैनल पर डाली थी अभी मेन चैनल पर दो दिन पहले डार्केस्ट डे ऑफ माई लाइफ उसके अंदर मैंने जो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी मतलब वन ऑफ माई बिगेस्ट मिस्टेक्स कि मैंने एक बहुत गलत दोस्त बना दिया था बहुत गलत दोस्त बना लिए थे मल्टीपल तो वो अगर तुम तो वीडियो देखते हो ना तो आई थिंक इस क्वेश्चन का आंसर तुम्हें उसमें मिल जाएगा कि किन लोगों के साथ रहना है और hmm. कैसे जज करना है लोगों को ठीक है दूसरी बात ये रहता है कि तुम्हें बहुत लोग मिलेंगे लाइफ में बहुत लोग और अगर तुम किसी से मिलते हो तुम्हें वो अच्छा लग रहा है लेकिन अगर तुम्हें थोड़ी सी भी गट फीलिंग आती है ना कि कुछ गड़बड़ है इस इंसान में निकल लो सही में निकल लो गट फीलिंग मेरे लिए कभी गलत नहीं होती गट फीलिंग इज़ बेसिकली सबकॉन्शियस माइंड में अनालिस चल रहा होता है कि भाई इस बंदे में ये गलत है ये गलत है वो तुम्हें सामने सामने नहीं दिख रहा होता है हो सकता है तुम गलत भी हो ठीक है लेकिन कोशिश करो कि एकदम ही किसी से मिलो तो एकदम ही घुल मिल ना जाओ अपने सीक्रेट्स ओपन मत करो पहले जान लो इंसान को

ऑटोमोब इंजीनियरिंग एब्सोल्यूटली और सबसे मतलब बुरी चीज़ ये हुई थी कि ठीक है बीच में मेरे को लग रहा था कि यूट्यूब मेरा नहीं चल रहा है बीच में लाइक तीन एक एक mm -hmm. दो हफ्ते के लिए मैं लाइक ऐसा बहुत डिप्रेशन में चला गया था आई वाज लाइक भाई कुछ नहीं चल रहा है अब तो इंजीनियरिंग ही बचाएगी मेरे को एंड देन उसके बाद न्यूज़ आती है ऑटोमोबाइल सेक्टर ही पूरा डूम हो गया डूब गया कोई हायर नहीं कर रहा है लोग जॉब से निकाल रहे तो आई वॉज लाइक मैं तो गया तो उसके बाद फिर थोड़ा यूट्यूब चला तो उसके उस टाइम मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मैं बहुत मेरी किस्मत बहुत अच्छी है कि मैं यूट्यूब कर रहा हूँ अगर मैं नहीं कर रहा होता और खाली ऑटोमोबल इंजीनियरिंग के भरोसे होता अभी तो मैं मेर, मेरा काम हो चुका होता अभी तक मैं घर में बैठा होता और कुछ नहीं कर रहा होता तो वही जैसे हमने पहले बात करी थी ना कि मल्टीपल बैकअप्स वगैरह होने चाहिए तो वो ही चीज़ यहाँ पर मेरे को काम आ गई बहुत एंड आई थिंक दिस इज समथिंग दैट यू नो यंग किड्स टूडे कैन डू बड़े आराम hmm. से दी 16 17 ईयर ओल्ड किड्स क्योंकि उन पे देव मोबाइल फोन दे हैव दी पावर ऑफ इंटरनेट मुझे याद है जब मैं टेंथ क्लास में था मेरे फ़ोन पे मैं ज़्यादा से ज़्यादा गूगल डॉट कॉम खोल के गूगल इमेजेस खोल सकता था <laughs> इतनी इतना तेज़ होता था इंटरनेट hmm. कि और मेरे पे फ़ोन भी वो नोकिया का फिफ्टी थ्री हंड्रेड था वो स्लाइटर उस पर तुम yeah. कुछ नहीं कर सकते आज तुम बैठ के अपने फ़ोन पर हज़ार चीज़ें कर सकते लाइक आई नो ऑफ दीज क्रिएटर्स जो अपने फ़ोन पे इतनी अच्छी वीडियोज़ एडिट कर देते हैं जो मैं अपने लैपटॉप पे नहीं कर पाता जब मैंने शुरू किया था टिकटॉक सबसे बड़ा एग्जांपल है इस चीज़ का एडिटिंग उस पर इन लेवल की है तो करते तो हैं क्रिएटर्स तो, काफ़ी सारे लेकिन वही बात हो जाती है यूट्यूब पर ना वही टिक पाता है एंड में जिसका एक्चुअल पैशन होता है शौक के बहुत सारे लोग आते हैं कि भाई हम भी यूट्यूबर बनेंगे वो दो दिन का शौक चढ़ता है ना उसमें बहुत सारे लोग आते हैं या फिर उनके चैनल डेड हो जाते हैं आगे जाके यहाँ पे वही बंदा टिक सकता है जिसका ट्रूली पैशन हो अंदर से या फिर वो बहुत ही इंसेंली बिजनेस माइंडेड हो कि उसे पता है यहाँ पे मैं इस तरह से बिजनेस कर सकता हूँ और वो अपने प्लान को एग्जैक्टली exactly वैसे ही एग्जीक्यूट करे जैसा वो सोच रहा है तो ये दो काइंड के लोग ही यहाँ पे टिक सकते हैं यूट्यूब पे मेरे को ये लगता है बिकॉज़ फ्रॉम वॉट आई बिलीव इज़ वेल कि यूट्यूब पे ना तुम्हारी प्रोडक्शन क्वालिटी एक सर्टन लेवल तक मैटर करती hmm. है तुम्हारे अगर बेसिक्स राइट right है अगर तुम्हारा ऑडियो क्लियर है अगर तुम्हारी वीडियो डिसेंट है तो वो सही है बट अनटेल अनलेस यू आर कंसिस्टेंट ऑन यूट्यूब आई डोंट थिंक यू कैन ग्रो एज मच मतलब ऑफकोर्स वन ऑफ केसेज होते हैं कि कोई ना कोई एकदम इतना एक्सेप्शनल इंसान आ जाएगा कि उसकी एक दो वीडियो में ही वो बहुत आगे mm -hmm. चला जाए बट वो बहुत बहुत रेयर होते हैं अल्टीमेटली इट्स अबाउट योर कंसिस्टेंसी जो तुम्हें आगे लेके जा सकते कंसिस्टेंसी तो है ही ठीक है अगर तुम छोड़ दोगे वीडियो डालना तो ऑडियंस भी की मेमोरी से भी तुम फेड होने लगते हो धीरे धीरे क्योंकि तुम्हारा कॉन्टेंट नहीं रहा तुम्हारा चेहरा उनके सामने आ नहीं रहा वो भूल जाएंगे तुम्हें ऑब्वियसली तो या तो कॉन्टेंट ऐसा डाल दो कि वो देखते उन्हें ये हो जाए कि भाई ये कॉन्टेंट और कहीं नहीं मिल सकता ये कंटेंट सिर्फ यही बंदा प्रोवाइड कर सकता है एंड हमें कंटेंट दोबारा देखना है तो उनके दिमाग में या तो छप जाओ या फिर इतना कंसिस्टेंसी के साथ अपलोड करो कि वो तुम्हें बार बार देखे बेसिकली तुम्हें इम्प्रेशन जमाना है तो ये दो ही तरीके हैं अगर ये दोनों में से तुम कुछ नहीं कर रहे हो तो बस वो सब्सक्राइबर सबस्क्रा, का ना नंबर बढ़ता जाएगा लेकिन व्यूज कम होते जाएंगे ओके अनदर क्वेश्चन दैट जस्ट केम टू माइंड इज ये ना ये भी मैंने रिसेंटली अपने लाइक like, uh, सुनना शुरू किया है कि डेली बॉम्बई का वो जो सिटी राइवलरी चलती, चलती mm -hmm. रहती है वो चलती रहती है बट ये जो डेली और मुंबई की यूट्यूब कम्युनिटीज हैं लाइक देर आर अ लॉट ऑफ गुड क्रिएटर्स दैट आर कमिंग आउट ऑफ डेली एंड बॉम्बे की साइड तो बहुत सारे mm -hmm. हैं ही वट यू वट यू थिंक ऑफ दिसवलरी बट दिस क्रिएटर्स इन डेली दैट आर कमिंग अब बिकॉज मुझे याद है डेली में जो डेली के जो पॉपुलर यूट्यूबर्स पहले हुआ mm -hmm. करते थे हुआ करते थे वो जो सी पी में जाके प्रैंक कर रहे हैं स्ट्रीज इंटरव्यू कर रहे हैं उनका ट्रेंड खत्म हो mm -hmm. चुका है अब दिल्ली में से लाइक like, अच्छे अच्छे कॉन्टेंट वाले जो जो कॉमेंट्री वीडियोज भी चाय कर रहे हैं वो निकल रहे हैं लाइक श्वेताब इज बेस्ड आउट ऑफ डेली

थोड़ा सा शुरू हो गया है आई कैन सी दिस क्योंकि मैं आई ट्राई टू स्टे कनेक्टेड टू दी थ्रू जो थोड़ा अभी नया नया कम्युनिटी बन रहा है ना ये पाँच सात दस हज़ार सब्सक्राइबर्स वाला जो आगे जाके बढ़ेंगे अगर वो ढंग से काम करते हैं उधर हैव हर्ड थोड़े विम्पर्स ऑफ इट मेरे को बट इट्स नॉट लाइक अ राइवलरी इट्स अबाउट कि दिल्ली में क्रिएटर ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं मुंबई से इट्स दैट मैंने मेरे को इस चीज के बारे में एक परसेंट आइडिया नहीं है क्योंकि मैंने ऐसा चीज कुछ नोटिस नहीं करा है कि दिल्ली वर्सेस मुंबई के सबसे क्लोज चीज ना मैंने ये म्यूजिक सीन में नोटिस करा है अपने कि भाई मुंबई के yeah, yeah, yeah. क्रिएटर्स में मैंने मैं ऐसा कुछ नहीं देखा। वो दिल्ली में रैपर्स यार मुंबई मुंबई के रैपर्स पता है क्या कंपेयर कैसे करा जाता है ना तो वही सेम चीज़ हो गई थी भाई रफ्तार इस साइड है मेवे इस साइड का है और वहाँ की ऑडियंस ऐसी यहाँ की ऑडियंस है तो वहाँ शुरू यहाँ एक ना वो कहते हैं ना पूरी ऑडियंस एक साथ इकट्ठा है तो इस बीफ का जैसा ना एक दरार आ गई थी बीच में और वो ना बढ़ती जा रही भड़ती और वो फिर उसकी भी ब्रांचेज निकल रही हैं और स्प्लिट होते जा रहे हैं लोग ग्रुप्स में तो वो यूनिटी तो ख़त्म ही हो गई है क्या तुम एक बार में एक ही बंदे को सपोर्ट कर सकते हो तो ये मैंने म्यूज़िक में एक्सपीरियंस करा है बट को ये नहीं पता था कि क्रिएटर्स के बीच में भी ऐसा कुछ चल रहा है मेरे को कोई आइडिया नहीं था तो चलो ठीक है नहीं हाँ, है तो लेट्स गेट टू म्यूजिक व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस रैप बिकॉज़ हिप हॉप कल्चर इंडिया में जब आया था तो काफ़ी अच्छे से आया था इस पे शुरुआत हाँ, इसकी इस पर थी मेरी एक कंस्पेरिसी थी कि एक ही टाइम पे गली बॉय आई उसी टाइम पे बीफ हुआ उस टाइम पे एम चल गया एम उसी मूवी के अंदर है बीफ के अंदर मूवी का मेंशन हो रहा है तो कंस्पिरेसी ये थी कि इस मूवी को प्रमोट करने के लिए पूरा बीफ स्टार्ट हुआ यार रस्टी मैं किसी के साथ अगर मतलब कहीं हूँ बात बात कर रहा हूँ ठीक है मैंने बोल दिया यार रस्टी ना रस्टी की वीडियोस में एडिटिंग थोड़ी कम होती है मतलब लाइक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं कि भाई कम रह गई तो तुम मेरे पे मेरे को कॉल कर अगर तुम ऑफेंड हो उस बात से तो तुम मेरे को कॉल करके बोलोगे या उस पर एक अलग वीडियो बना दोगे पहले कॉल करोगे ना लाइक <laughs> हुआ क्या है भाई क्यों बोला तो यार खुद सोचो यहाँ पे रफ्तार ने बोल दिया कि यार क्या रैपर कमा पर और वो इतना सिंपल चीज़ थी

और जितने भी उनमें से कोई भी इसके थोड़ा सा भी क्लोज नहीं था लाइक like, कुछ भी नहीं था of तो सबका फायदा ये हुआ ये है ही हुआ लगता है कहीं ना कहीं लेकिन रफ्तार ने अभी ये भी बोला <laughs> कि कोई अपनी इज्जत तो बेचेगा नहीं विच मेक सेंस तो ये किसी को नहीं पता फेक है क्या है बट इन इन माई ओपिनियन इट इज इट इज नॉट अ गुड प्लेस फॉर

लेकिन जब से इंडिया में पूरा डिस शुरू हुआ है ना मैं डिस्टेंट होता जा रहा हूँ हिप हॉप म्यूज़िक से मेरे को मन ही नहीं करता सुनने का अब इंडियन तो सुनता ही नहीं मैं अब मेरे को अजीब लगता है ये चीज़ बोलते हुए क्योंकि मैंने बहुत मैंने अपने चैनल पर बहुत प्रमोट करा है लेकिन अब मैं खुद पॉप पॉप मेरे को अच्छा लगने लग गया मेरे को नहीं सुनना हिप हॉप और मैं पक चुका हूँ <laughs> बहुत हो गया ओके सो हिप हॉप के बारे में हमने बात कर ली कि हिप हॉप का सीन लाइक आई एग्री विद योर ओपिनियन कि ये सिर्फ बीफ कल्चर नहीं रहना चाहिए थोड़ा अच्छा होना चाहिए एंड आई एम श्योर दैट यू आर प्लेइंग योर पार्ट बाय

मेरा जो मेन मेरे दो गोल्स हैं दोनों ये मतलब यूट्यूब और ये मीडिया के अराउंड ही है जो कंटेंट मैं क्रिएट करता हूँ इसमें कोई टाइम मैंने सेट नहीं कर रखा क्योंकि नो वन नोज कितना टाइम लगेगा मेरे दो गोल्स हैं पहला गोल है कि मैं एक दिन ऐसी वीडियो डालूँ कि पूरा यूट्यूब इंडिया हिल जाए उससे जैसे अभी कैरी के आई थी उससे डबल ट्रिपल लेवल पे मैं अपनी कोई कंस्पेरेसी या कोई भी शॉर्ट मूवी कुछ भी डालूं एंड यूट्यूब इंडिया हिल जाए कि भाई ये क्या आ गया दूसरी चीज़ मेरे को अपनी ख़ुद की Netflix सीरीज चाहिए हॉरर और मतलब इसी कंस्परिसीज़ के अराउंड मैं कुछ करना चाहता हूँ मैं फिल्म बनाना चाहता हूँ और मैं ऐसा चीज़ डाल लाना चाहता हूँ कि लोगों को ये हो जाए कि ये हमने ना पहले कभी देखा था एंड दिस इज अमेजिंग हमें ऐसी चीज़ें ही चाहिए मैं एक नया स्टैंडर्ड सेट करना चाहता हूँ इंडियन मूवीज़ और शोज़ के अराउंड

कोशिश करते हैं बट आई रियली ऐसे कोई एम नहीं है अभी बस एम एक ही है ओके हंड्रेड के हो गए अब मैं वो कॉन्टेंट डालू hmm. जो मेरे को बहुत अच्छा लगता है एंड hmm. लोगों से रिएक्शन गेन कर सकूँ मैं एंड रिएक्शन गेन करना इज अल्टीमेटली कि मतलब अच्छा कॉन्टेंट प्रोवाइड करना ऐसे कोई स्पेसिफिक गोल्स नहीं प्लस खुद को फाइनेंशियली थोड़ा स्टेबल कर पाऊँ मैं क्योंकि बहुत बहुत पक गया और मैं फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स अपने से में आई थिंक इट्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव सेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन लाइफ मैं वो <laughs> तो वो बहुत जरूरी है मेंटल मेंटल पीस और मेंटल सेटिस्फैक्शन के लिए आई थिंक दैट दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग यू कैन या अगर तुम केएसआई देखते हो के एस दिखा है ओके okay, तो आया, उस आया, आपने और आपने उसके सेकंड चैनल पे वो अभी जो से बनाना है वो बनाता है एंटरटेनिंग बनाता है लेकिन ही डजंट केयर कि उसकी वीडियोस अर्न कर रही है कॉपीराइट आ रहा है मेरे को उस लेवल का फ्रीडम चाहिए तो कि मतलब मैं कुछ भी डालूं आई डोंट केयर कि मतलब पैसा बना रहा है नहीं बना रहा मेरा मैं बस कुछ भी बना सकूँ अभी मेरे को बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि मोनेटाइज हो रही है या नहीं रेवेन्यू आ रहा, है, नहीं हो रहा नहीं है।, बहुत ध्यान रखना है जो ना बहुत लिमिट कर देता है तुम्हारी क्रिएटिव फ्रीडम को भी एक तरीके से तो yeah. उस लेवल पे पहुंचना है

कि तुमने इतने तीन साल सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी यू इन्वेस्टेड सर्टेन अमाउंट ऑफ योर ओन मेंटल कैपेसिटी यू इन्वेस्टेड इन दिस एंड देन वी लाइक ठीक है नहीं मैं इस पे आई डोंट फील हैप्पी डूइंग दिस तो मैं इसलिए अपना सारा टाइम वही चीज़ करने में मैं मैं डे वन से ही क्लियर था कहीं ना कहीं खुशी दे कि मेरे को मैं जो ये कर रहा हूँ मेरे को बस डिग्री के लिए कर रहा हूँ एंड मेरे पेरेंट्स सैटिस्फाइड रहे तो मैं इसके लिए ही कर रहा था <laughs> तो यही चीज़ है करते करते आए हैं और कहीं ना कहीं मेरे को ना अच्छा भी लगता है मतलब ऐसे बोलना नहीं चाहिए मेरे को बहुत सारे लोगों की जॉब्स गई है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में अब मैं नहीं जा सकता जाके भी क्योंकि वही बात एक एक और कहते हैं लोग कि मतलब प्लान बी अगर तुम्हारे पास है तो वो बेसिकली तुम्हें पता है कि प्लान ए तुम्हारा फेल होने वाला है तो <laughs> वही वाली बात होगी दैट इज या, so तो, या तो पता नहीं ये दोनों अलग अलग चीज़ें बैकअप रखना भी अच्छा है और खाली प्लान पे टिके रहना भी अच्छा है वो अपने अपनी सिचुएशन में काम करता है तो वही है सेम यहाँ पे बैकअप के थ्रा था ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग अब वो भी नहीं है तो मेरे पास एक ही प्लान है तो इसी में कर रहे हैं कि घर वाले इंजीनियरिंग ऑप्शन की लाइक आखिरी चीज करूंगा मैं कुछ भी करूँगा इंजीनियरिंग नहीं करूँगा ठीक है एंड देन हाउ यू गेट इट बी एस एफ में एंड बी एस एफ का hmm. एक कॉलेज है इंजीनियरिंग का तो उसके अंदर hmm. बहुत फी बहुत कम है प्लस मेरे डैड घर से दूर रहते हैं तो उसी कॉलेज oh. के पास मेरे डैड की पोस्टिंग हो गई थी तो उस कॉलेज में एडमिशन लेने से एक तो hmm. फ़ीस कम हो गई थी प्लस मैं डार्ड के साथ रह पा रहा था दो तीन चीज़ें अच्छी हो गई थी तो या तो वहीं पे फिर जाके वहीं एडमिशन ले लिया देन आई रियलाइज कितनी बड़ी गलती हो गई है तब मैंने ये भी रियलाइज़ करा कि दो साल निकल गए कॉलेज के दैट लाइक ख़त्म करो यार खत्म करते हैं यार खत्म कर ही लेते हैं आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल ऑल्सो गो थ्रू दिस की जस्ट गो थ्रू कॉलेज कि बस डिग्री चाहिए हमारे यहाँ ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है लेकिन फॉर एग्जाम्पल हेयर आई एम

प्रॉब्लम है इंडिया में क्योंकि बाहर की कंट्रीज में अगर कोई जैसे मेरे जैसा कोई लड़का होता अगर मैं बाहर रह रहा होता तो मैं क्या करता अभी करा वहाँ पे बहुत अच्छे से एक तो पे करते हैं लोगों को ठीक है वहाँ अगर कुछ घंटे भी तुम काम करो तो डिसेंट पे मिलता है तुम्हें ठीक है यहाँ पे एक तो वो चीज़ नहीं है प्लस नहीं। इंडिया में यहाँ पे जो यहाँ पे हम ऑड जॉब्स कहते हैं ठीक है हम यहाँ पे करने से डरते हैं जैसे कोई मेकडी में काम कर रहा है वो जो भी कर रहा है वो इंडिपेंडेंट है ठीक है तो इंडिया में यही दिक्कत है कि भाई डिग्री लो डिग्री नहीं होएगी तो नौकरी नहीं मिलेगी नौकरी नहीं हुई तो शादी नहीं होएगी ठीक है शादी नहीं हुई तो लाइफ ख़राब हो जाएगी उन्हें फ्यूचर की इतनी पड़ी हुई है उन्हें इनिशियल स्टेप्स सामने सामने नहीं दिख रहे होते हैं कि क्या करना चाहिए तो आगे कुछ नहीं पता यार क्या हो जाए किसको पता था कोरोना वायरस इतना फैल जाएगा किसको पता था ऐसे लॉकडाउन में हम घर में बैठे होंगे हाँ तो कभी भी कुछ भी हो सकता है एंड आई एम सो ग्लैड कि YouTube मतलब YouTube में कर रहा था कॉलेज टाइम पे क्योंकि यार मैं ये सोचता कि मैं कॉलेज के बाद करूंगा यूट्यूब तो अभी तक हो लेता मेरा काम मैं कहीं का नहीं रहता ठीक है तो जो तुम्हारा करने का मन है वो करो अभी करो क्योंकि आगे कुछ नहीं पता क्या हो जाए नाइस विद दिस बिकॉज आई रिमेम्बर मैंने भी अपने कॉलेज में अपनी एडिटिंग वगैरह इसलिए शुरू कर दी थी क्योंकि और मैं क्या करूँ hmm. मुझे मज़ा आता है करने में इज़ बेटर टू जस्ट लर्न एंड डो इट अदर थिंग वॉज कि लोगों पर वीडियो एडिटिंग की स्किल्स इतनी नहीं होती हैं लोगों पर लोग नहीं कर पाते हैं एडिट इफ दिस समथिंग दैट यू कैन लर्न विच यू नो कि अदर पीपल विल नॉट बी एबल टू कैप्चर एज वेल एज यू कैन आई थिंक यू शुड जस्ट गो फॉर इट काफ़ी अच्छा है एक्चुअली एंजॉयड योर वीडियो अबाउट दिस स्कूल वेल वेद इट वज अ वेरी गुड स्टोरी विच ब्रिंग्स मी टू माई फाइनल पार्ट कि हमारे हमारे यहाँ के जो स्कूल हैत सालों के अंदर पीपल हैव लाइक जो जनरेशन है वो काइंड ऑफ चेंज हो गई yeah. है बिल्कुल बिकॉज आई मेट मेड अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स हैर हुव जस्ट कम आउट ऑफ स्कूल ठीक है मैं मास्टर्स कर रहा हूँ तो अंडरग्राड mm -hmm. करने के बहुत सारे किड्स आए आई एव रियलाइज की आई कांट आई कांट रिलेट टू देम ऑन दी लेवल अगर मैं स्कूल में होता तब बिकॉज देर प्रायोरिटीज़ आर इंटायरली डिफरेंट हो सकता है कि देर आर पीपल दैट आर कमिंग फ्रॉम अ वेरी सर्टन वेरी स्पेसिफिक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी तो उनकी प्रायोरिटीज लाइफ में अलग है उनका दिक्कत ये हो रही है लाइफ में कि अभी हो डी एड होना पे नहीं जा पा रहे हैं बट दैट नॉट पॉइंट इज की किड्स दीज डेज आर इन टू अंड्रेड डिफरेंट थिंग्स एंड आई फील कि उनके पास फोकस करने के लिए इतनी सारी चॉइसिस है कि दे नॉट एबल टू चूज दे वॉन्ट टू डू दिस डिलीजन और दिस एल्यूजन ऑफ चॉइस इज वेरी प्रोमिनेंट आई फील वॉट डू यू वट डू वो वट वाइस टू दीज किस माई ऑडियंस पीपल अंडर ट्वेंटी जो अपनी लाइफ फिगर आउट करने के लिए दिल से खुशी देता है मतलब बेसिकली पैशन ही कह लो तुम्हें चाहिए एक लाइफ में अगर तुम्हें लाइफ में खुश रहना है कुछ करना है तो और तुम्हें अपना पैशन कैसे मिलेगा वेन यू ट्राई डिफरेंट थिंग्स ऐसा नहीं है कि तुमने दो चीज़ें ट्राई करी और उसमें से तुम्हें पैशन मिल जाएगा पैशन हमें कैसे मिला हमने सौ चीज़ें करी एंड हमने हमें वो एक चीज़ मिली कि यार ये अगर मेरे को कोई आज दस करोड़ रुपए भी दे दे ठीक है मेरे को काम करने की का कभी ज़रूरत नहीं है लाइफ में लेकिन स्टिल ये चीज़ मैं कल भी करूँगा परसों भी करूँगा क्योंकि मेरे को अच्छा लगता है दैट इज़ योर पैशन तो सेम चीज़ है हमारे टाइम पे क्या होता था यार कि हमारे पास जो सोर्सेज थे कि हम क्या करें लाइफ में वो इन्फो हमारे पेरेंट्स और टीचर्स होते थे हमारे पेरेंट्स और टीचर्स को कहाँ से पता चला था तो, उनके पेरेंट्स और टीचर्स से ठीक है अभी की जो जनरेशन है जो अभी स्टूडेंट्स हैं उनके पास इंटरनेट है इंटरनेट तुम्हें पूरी दुनिया की नॉलेज दे सकता है तो उनके पास ऑप्शंस बहुत सारे विच इज़ अ गुड थिंग एब्सोल्यूट बि बिगाड़ बिगाड़ सकता है।, है तो पहले वो डिस्कस कर लेते हैं कि हेल्पफुल कैसे है कि ठीक है अगर तुम हो सकता है कि एक बच्चा बना है कि मतलब वो वीडियोस बनाए हमारा एग्जांपल ले लो ठीक है लेकिन उसे अपने पेरेंट्स और टीचर्स से यही इन्फो मिलेगी या तो तुम इंजीनियर बन सकते हो या डॉक्टर बन सकते हो या ये बन सकते हो उसके अंदर कहीं वीडियोग्राफर है ही नहीं तो उसको कभी लाइफ में पैशन मिलेगा ही नहीं और वो पूरी लाइफ वही चीज़ करता रहेगा पैसे कमाने के लिए मेहनत करता रहेगा बेसिकली और दूसरी साइड जिसके पास सौ ऑप्शन है उसने वो सौ ऑप्शन ट्राई करें सौ में से एक तो उसका कोई पैशन होगा तो उसे पैशन मिल गया और जब तुम्हें पैशन मिल जाता है तो तुम बिना कुछ सोचे समझे एक काम खेल लगने लगता है वही थ्री डेट्स वाली जो लाइन है कि काम काम नहीं खेल लगेगा तो वही चीज़ है तो पैशन ढूंढना बहुत मुश्किल है तो जितनी चीजें ट्राई कर सकते हो करो जितनी चीजें ट्राई कर सकते हो उट की डॉक्टर मेरा एक दोस्त है मतलब ऐसे मेरे काफी सारे mm -hmm. दोस्त हैं जो डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हैं एंड उनका पैशन क्योंकि सम एंग के बट आई नो एट लीस्ट पीपल जिनके घर में भी सब डॉक्टर है उनको पता है क्या पर्क होते हैं क्या बेनिफिट्स होते हैं तो वो पैशनेटली पढ़ाई कर रहे हैं बहुत अच्छे से कर रहे हैं वो पढ़ाई

और कन्फ्यूज माइंड कभी भी ना एक स्टेबल डिसीजन नहीं।, नहीं ले सकता और ये चीज़ मैं काफ़ी मेरे को ये प्रॉब्लम होती है कि मेरे को क्या है कि मेरे मेरे को पैशन मेरा पता है मेरा म्यूज़िक है लेकिन मेरे को ये भी लगता है मेरा पैशन वीडियो भी है मल्टीपल पैशंस हो सकते हैं ऑब्वियसली एक खाली एक होना जरूरी नहीं है तो मेरे को ये रहता है मेरे को ये भी करना है मेरे को ये भी करना है और मेरा जो ये पैशन है म्यूजिक इसके अंदर भी कई जॉन है कि तुम तो म्यूजिक बना सकते हो रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट बन सकते हो खुद रैपर बन सकते हो तो उसके और ब्रांचेज है तो वो मेरे को ये भी करना है ये भी करना है ये भी करना है ये भी करना है ये चीज़ बहुत कन्फ्यूज़ कर देती है तुम्हारे एक नीच नहीं रहता और कहीं ना कहीं एक नीच होना चाहिए कि तुम इसमें अच्छे हो तो वो नहीं होता तो फिर पॉइंट mm. नहीं है कोई वो बेसिकली वही कि बी वेरी माइंडफुल ऑफ योर चॉइसेस आई थिंक द बेस्ट सोल्यूशन टू दिस इज टू हैव कॉन्वर्जेशन विद द एल्डर पीपल इन योर लाइफ और इवन योर पीयर्स फॉर दैट मैटर अंटे एनलैस यू कम्युनिकेट विथ पीपल अबाउट वॉट यू आर फीलिंग अबाउट वॉट यू वॉन्ट टू डू ऑनेस्टली आई डोट थिंक कि तुम उसको फिगर आउट कर पाओगे लाइक फॉर मी मैंने अपने घर वालों को पहले ही बता दिया था मतलब मेरे घर वालों को शुरू से पता था कि मेरे को नहीं करनी डॉक्टर mm -hmm. की पढ़ाई नहीं बनना मेरे को इंजीनियर उन्होंने तो कहा ठीक है तो जो करना है तो कर पर जो कर रहा है उसमें फिर ये मत कही कि काश कुछ yeah. और कर लेना वॉट एवर डिसीजन यू मेक यू मस्ट बी वेरी माइंडफुल ऑफ देम कि आगे जाकर तुम तो उनको कभी रिग्रेट ना करो Yeah. Can be the worst क्योंकि that you can वो टाइम वापस नहीं आ सकता बोन्ड yeah. होता है ना रिगरेट का वो हील नहीं mm. हो सकता सीधी सी बात ये होता है और एक और चीज़ रहती है yeah. कि अभी काफी सारे हम पैशन कैसे ढूंढे और बहुत सारे तो कन्फ्यूज रहते हैं नॉलेज गेन करने के लिए हमेशा ओपन रहो तुम्हारे पास पॉडकास्ट है तुम्हारे पास बुक्स है रीड बुक्स रीड बुक्स मैं पहले बुक्स नहीं पढ़ता था एंड जब मैंने पढ़ना शुरू करा पहले हैरी पॉटर पढ़ना शुरू करा बहुत mm -hmm. इंटरेस्ट आया उसके बाद जब मैंने एक्चुअल बुक्स पढ़ी यार खुद सोचो एक कोई इंसान है वो उसने अपने दस साल के एक्सपीरियंस को एक बुक के अंदर डाल दिया तुम एक इंसान के दस साल के एक्सपीरियंस को दस घंटे में गेन कर सकते हो तो वाई नॉट रीड बुक्स बुक्स पढ़ोगे तुम्हारा दिमाग ऐसे खुल जाए तुम्हें तो सोचोगे स्कूल की बुक्स तो वेस्ट थी असली नॉलेज तो इनमें तो यू नीड टू रीड पॉइंट हैरी okay. पॉटर हैं है तो, तो अगर तुम्हें, तुम्हें तो हैरी पॉटर ठीक है लेकिन अगर तुम्हें ऐसा कुछ पढ़ना है जिससे इंप्लीमेंट कर सको तो आई वु उसका यूट्यूब चैनल भी है तुम आउट कर सकते हो लाइक बिलियनर है उसकी है बी ऑप्सर्स बी एवरेज इन सेम बुक उसे मैं मैंने अपने यश गर्ग जो मेरा फ्रेंड है उसको दी थी एंड उसने मेरे से पहले हंड्रेड के सब्सक्राइब्स गेन कर लिया उस बुक को इम्प्लीमेंट करके तो दूल थर्ड इज रिच डाड पुअर डैड बहुत बेसिक बुक है लेकिन तुम्हें पढ़नी चाहिए रस mm. uh, 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 so की जो बुक है एज अ म्यूजिशियन मेरे को वो बुक बहुत अच्छी mm. लगती है तो so उसे तुम अगर म्यूजिशियन नहीं हो तो भी पढ़ सकते हो रस की है इट्स ऑल इन योर हेड

Good book. Kitab yeah. Kitab but, but no, these are, these are really good thoughts to to be be open to criticism, be open criticism gaining knowledge yeah and read a the ये, ये पता नहीं क्यों, ये बहुत do for हॉबी लगती है ये लोगों को बट रीडिंग यही जो मैंने अभी बोला कि दस साल के एक्सपीरियंस को तुम स घंटे में गेन कर सकते किसी इंसान के और एंड वो उन लोगों का एक्सपीरियंस है जो ऑलरेडी सक्सेसफुल है में, billionaires है millionaires है लाइफ में तो नॉट yeah. तो ना लोग लोग कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं इतनी सारी चीजें होती है करने को इंस्टाग्राम होता है यूट्यूब होता है फेसबुक होता है किताब पढ़ने हुँ. के लिए तो पैशन चाहिए ही होता है किताब पढ़ना भी है एक अच्छी हॉबी है कुछ ना करो लाइफ में किताबें पढ़ना शुरू कर दो मतलब सीधा एकदम वो मोटी मोटी बुक्स मत ला छोटी से स्टार्ट करो लेकिन आगे पढ़ते जाओ क्या स्टार्ट करो इट इट्स अ हैबिट दैट यू ग्रो इन टू तो मतलब अभी शुरू करोगे लाइक like मुझे याद है जब मैंने ना पहली किताबें पढ़नी शुरू करी थी मेरे पे वो छोटा सा फ़ोन हुआ करता था जिसकी टू फोर्टी बाई थ्री सिक्सटी की स्क्रीन हुआ करती थी उस पर मैं फाइव बुक डाउनलोड्स करके पढ़ता था मैंने पूरी hmm. मैंने पूरी हैरी पॉटर सीरीज ऐसे पढ़ी है मतलब उस स्क्रीन पर लिटरेली hmm. दस बीस वर्ड से ज़्यादा नहीं आते होंगे और ऐसे मैंने किताबें पढ़ा लिए मैंने हरी पॉटर पूरा पढ़ा उस पर मैंने परसी mm जाक्सन -hmm. uh, की पूरी सीरीज उस पर पढ़ी मैंने पूरी की पूरी टॉयलाइट उस पर पढ़ी मैंने इतनी यंग अडल्टी yeah. पढ़ डाली ना उस पर गूसबंप पढ़ी है मैंने उस छोटी mm -hmm. स्क्रीन पर इतनी किताबें पढ़ी है मैंने कि आई कांट इवन एक्सप्रेस और वहीं से वो पैशन शुरू हो गया आई थिंक दैट इज द रीजन कि मैंने लिटरेचर की भी पढ़ाई करी बिकॉज mm -hmm. तो तो अगर वो शुरू नाइन्थ क्लास में अगर मैंने किताबें पढ़नी नहीं शुरू करी होती तो मुझे नहीं लगता कि मैं जो भी कर रहा हूँ लाइफ में वो कर पाऊँ आप बट ओके Good thought to end this podcast on. A very nice long conversation. I really enjoyed it. Hopefully yeah. the audience will enjoy it as well. I am going to stop okay. recording now. You also stop recording. Uh ओके एंड दैट वॉज इट कितना इन्साइटफुल कितना मज़ेदार कितना अच्छा कॉन्वर्जेशन था आई रिली एंजॉयड इफ यू डिड इज वेल इफ यू हैव मेड इड टू दिस पॉइंट इन दिस वीडियो देन कुडोज टू यू थैंक यू मेक् श्यू यू लीव अ कॉमेंट डाउन बिलो एंड अक एंड शेयर दिस एंड स्पॉटिफाई वे फॉलो दिस वो ही सारी चीजें नया एपिसोड इन द पॉडकास्ट कम्स आउट एवरी फ्राइडे एट फाइव पी एम ऑन स्टोरीज विद्रस्टीज मेक्स यू यू सब्सक्राइब लाइक शेयर एंड एल चीन द नेक्स्ट वन दू बाय